नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान, आप देख रहे हैं चैनल टी। अपनी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आज हम पहुंचे हैं एलनाबाद खंड के गांव कुत्ताबड़ में, जहां पर सरपंच पद के चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र कंबोज, हम उनके आवास पर आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में सियासी समीकरण क्या है, किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का उनको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। बहन जी, आप पिछले 5 साल गांव में सरपंच रहे हैं, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो आपने करवाए? पहले तो मैं आपका चैनल वालों का आपका हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और पिछले 5 सालों के अधूरे कामों की बात करें तो उसमें जैसे गांव के नहरी पानी की सिंचाई का, वाटर सप्लाई का, और जैसे स्टेडियम के बारे में वो रेगुलेशन पाए हुए हैं पर वो कार्य अभी अधूरे पड़े हैं, वो हुए नहीं हैं। आगे के टाइम में सुरेंद्र के हम सुरेंद्र सरपंच के टाइम में यही उम्मीद करते हैं कि भी हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो हम ये अधूरे कार्य पूरे करवाना चाहते हैं। आपने बताया कि कुछ काम अधूरे रह गए थे, ऐसे क्या कारण थे, ऐसी कुछ कमियां सरकार की वजह से रही, कुछ और कारण रहे जो काम आपके अधूरे रह गए? जो कार्य अधूरे रह गए हैं वो मेन कारण तो कोरोना की वजह था का सा, उस कोरोना का कार्य पीरियड 2 साल काफ़ी लंबा चला, जिस कारण से वो कार्य अधूरे रह गए हैं। जैसे सर नहरी पानी के विकास कारण या स्टेडियम का विकास कार्य, तो अब जो है वो आगे काम आगे वो आगे कार्य नए उम्मीदवार से सहयोग से करवाएंगे। सर सुरेंद्र कंबोज हमारा उम्मीदवार है गांव का, तो सुरेंद्र 36 बलादरी को साथ लेकर चुनाव लड़ रहा है, तो उम्मीद है कि सुरेंद्र भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। पिछले कार्यकाल में पूनम कंबोज यहां से सदस्य थी, उनका विकास का काम कैसा था? उनका विकास कार्य काल में कोरोना की वजह से 3 साल कुछ काम अधूरे रह गए थे, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र कंबोज बनेगा सरपंच पद का उम्मीदवार, तो वो सभी काम बहुत सूझबूझ से करवाएंगे, गांव का विकास करवाएंगे। गांव वालों से उम्मीद है? हाँ जी, गांव वालों से हमारी यही उम्मीद है कि सुरेंद्र को बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करवाएं और गांव को तरक्की की एक नई दिशा दिखाएगा सुरेंद्र। चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, आपका भी गांव कुत्ताबड़ में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, हमारे गांव वालों की तरफ से और हमारी तरफ से। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में पधारे। सुरेंद्र जी, आप गांव कुत्ताबड़ में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के आपको सरपंच पद का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे गाँव में जी नशे का है, ठीक है, जिसके विरुद्ध हम लगभग 5 साल से पीछे जिसके विरुद्ध जंग जारी है हमारी। दूसरा मुद्दा जी गांव की सड़क वगैरह है, पानी की समस्या है जी, नाली वगैरह की साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है जी। ठीक है, और हमारे इधर मंडी है जो उसकी चारदीवारी है, स्टेडियम है, खेल निर्माण है। ठीक है, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जी हमारे इधर गांव में। ठीक है, मुद्दे और भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा जो संकल्प पत्र है वो भी हमने जारी करा है, कल ही लॉन्च करा है हमारा जो संकल्प पत्र है हमारा। ठीक है, उसमें लगभग 23-24 मुख्य मांगे हैं हमारे गांव की, जो हमारी सर्वसम्मति से मतलब जो कुछ एक आधी उसमें रह भी गई है वो भी हम पूरी करेंगे। अगर हमें गांव का सहयोग मिलता है हम अच्छे तरीके से 5 साल पूरे अपने वादे निभाएंगे। सोनू जी, आप एक खुद युवा है, आजकल जैसे आपने बताई कि नशे की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो युवा होने के नाते इस समस्या को समाप्त करने के लिए, उन युवाओं को फिर से मेन स्ट्रीम में मुख्य लाइन में लाने के लिए आपके पास कोई योजना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो जो नशे की तरफ आज का यूथ जा रहा है उसको हम मुख्य धारा में जोड़ें। ठीक है, उसका जो ध्यान है डाइवर्ट करके हम खेलों की तरफ, ठीक है, कंप्यूटरशाला, व्यायामशाला और भी जिम वगैरह, ये सारे हमारे मेन मुद्दे हैं ताकि युवा की नशे की तरफ ना जाए।
इसको ध्यान भटकाकर जो नशे की तरफ लोगों के द्वारा लगवाया जा रहा है उसको उधर से हटाकर इस मुख्य धारा में लाना है और गांव को सशक्त बनाने का हमारा प्रयास रहेगा जी। उसके लिए कोई योजना आपने बनाई है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, हमारा एक पूरा रोड मैप है, उसके अगर गाँव की जनता हमें सहयोग करती है तो उस रोड मैप के ऊपर हम पूरा अच्छे से काम करेंगे जी। एक और बात जो गांव के अंदर बड़ी जरूरी है कि महिलाएं जो है वो अक्सर घरों में रहती है और उनके लिए कोई काम की व्यवस्था, उनके कोई सिलाई के लिए, कोई उनकी कढ़ाई के लिए कोई ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल सर, हमारा जो संकल्प पत्र है उसने हमें एक तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिलाई सेंटर, ठीक है, और भी एक योजना है उसके लिए हम मतलब पूरा प्रयासरत रहेगा महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है ना, बहुत हम पूरे गांव के सहयोग से हम पूरा महिलाओं को सम्मान बख्शेंगे। आपके गांव की एक और समस्या थी जो पुल निर्माण की जो बात थी जी, उसके लिए आपने पिछले लोकसभा चुनाव में आपके गांव की ओर से बाइकॉट भी किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो समस्या जो है वो जो मांग है आपकी कहां तक पहुंची है? उसका सर निर्माणाधीन कार्य जो उसका प्रगति पर है, लगभग 6 महीने हो गए हैं सर उसका कार्य चल रहा है और आगे भी शायद 1-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, उसका जो हमें लाभ है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो रानिया शहर है वो हमें साथ मिलेगा यहाँ पे, हमारा गाँव का विकास उसकी तरफ मतलब बहुत और बढ़ेगा सर। एक गांव के नाम को लेकर के बड़ी थोड़ी एक अजीब सी वो है। बिल्कुल सर, वो भी ठीक है, वो हम पहले भी प्रयास कर चुके हैं, अगर हमें आगे भी गांव के लोग सहयोग करते हैं, गाँव नाम है इसका भी, गांव सारे गांव के सहयोग से ही हम इसका नाम बदल कर मंगवाएंगे और तो जो भी गांव का भाईचारा सरसमति से जो इसका जो नाम मतलब सुझाएंगे वो हम गाँव का नाम भी उसके प्रयास करेंगे। गाँव वालों से कोई चुनाव को लेकर के कोई अपील आप करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं सर कि 12 तारीख को जो चुनाव है गिलास के ऊपर मोर लगाकर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं जी, और हम जो अपने संकल्प पत्र में मुख्य मुद्दे लेकर आए हैं उसको हम पूरा करेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करेंगे, हम आपको विश्वास के साथ बोल सकते हैं। धन्यवाद, आप हमारे चैनल के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ही पहुँचे।